हो गया घर का सारा काम खत्म, आए मजे से सो जाती हूँ। ये कुछ रहा काम जी, कौन बोल रहे हैं आप? पहचानो जी पहचानो, कौन बोल रहे हैं? भूल गए आप? कौन है मुआ? और कौन बोल रहे हो आप? पिता की माँ बोल रही हूँ मैं जी। अच्छा बहू की माँ बोल रही है, कैसे आई इसको मेरी याद है आज? अच्छा अच्छा जी, कैसे आई आपको आज मेरी याद? ऐसे तो अपनी बेटी से चार चार घंटे बात करते हो, मेरी याद तो कभी नहीं आई। ओ जी बबीता फोन नहीं उठा रही थी तभी की आपको फोन आया, तो ठीक है वो। अच्छा अच्छा, फोन नहीं उठा रही तुम्हारी बेटी है तभी किया मुझे फोन? ऐसे तो सुबह से शाम लगी रहती है अपनी बेटी से, कभी मुझसे बात की? ओ जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं रास्ते में हूँ, घर आ रही हूँ मैं आपके। हाँ हाँ तभी किया मुझे फोन, घर आना था बेटी से मिलने। ठीक है आ जाओ आ जाओ। ठीक है ठीक है। बस दो मिनट सोने लगी, आ गई बहू की माँ। ऐसे तो कभी बात नहीं करती मुझसे, आज बेटी ने फोन नहीं उठाया तो मेरे पीछे पड़ गई है। आने दे आने दे, सारी चुगलियां लगाऊंगी इसकी बेटी क्या क्या करती है मेरे साथ। आ गई महारानी। आइए बैठिए जी बैठिए। क्या हुआ? मेरी बेटी फोन नहीं उठा रही है, तो ठीक है वो। ठीक है तेरी बेटी, फोन रह गया उसका घर पे, मेला देखने चली गई है वो महारानी जी। चलो कोई नहीं, मैं तो टेंशन में आ गई तभी आ गई मैं जल्दी जल्दी। आपके घर आई हूँ, आप खुश नहीं हो ना? आपने चाय पूछा ना पानी पूछा, कुछ नहीं पूछा जी। क्या बताऊँ, मेरी तो कमर टूट गई कमर, बस मैं सोने वाली थी तब तक आप आ गई, और मेरे से कुछ नहीं होता, चाय पानी का तो छोड़ो, मेरे से तो बाथरूम भी नहीं जाया जाता। इतनी बीमार हूँ मैं, और तुम्हारी बेटी मेले घूमने गई है। चलो जी बच्चों के शौक है, जाने दो तो जाने दो, क्या करना अब। कैसे बच्चों के शौक है, 15 साल में मेरी शादी हो गई थी, मैंने सारा घर संभाला, आपकी बेटी मुझे नहीं संभाल सकती। ससुर उसका बाहर रहता है, पति उसका फोन रहता है, हम दोनों सास बहू रहती है घर में, फिर भी वो मुझसे प्यार से नहीं रहती। कोई बात नहीं बहन जी, बच्ची है वो समझ जाएगी धीरे धीरे। वो बहन जी कैसी बच्ची है, वो कब समझेगी? गालियां देती है मुझे, मारने को दौड़ती है, सुबह 5 बजे नहीं उठती वो, 10 बजे उठती है, क्या करूं मैं? कैसी माँ हो आप जो समझाती नहीं उसको? बहन जी कहाँ सुनते हैं बच्चे माँ बाप की भी आजकल? सुनते हैं, समझाओ तो, आपने समझाना है नहीं है? पूरा दिन पूछती रहती है अपनी बेटी को, क्या खाया क्या बनाया, शाम को क्या बना, सास कहाँ है तेरी? आपने कभी बोला अपनी बेटी को कि अपनी सास का ध्यान रखा कर? पागल बना के छोड़ा हुआ है मुझे? आप पूरा दिन फोन पे बातें करती रहती है, आपने सारा घर उजाड़ा हुआ है। बेटी का घर उजाड़ने में माँ का हाथ होता है, जो दो दो तीन तीन चार चार घंटे बातें करती रहती है अपनी बेटी से। बहन जी क्या बोल रही हैं आप? बहन जी ऐसी कोई माँ नहीं है जो ऐसा चाहेगी कि मेरी बेटी का घर उजड़ जाए। अच्छा जी तो क्यों लगी रहती हो सुबह से शाम तक बेटी से बात करने में फोन पे? क्यों पूछती है तेरी सास कहाँ गई? क्यों उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करती है कहाँ मरी तेरी सास अभी? मेरा घर आपने उजाड़ा हुआ है। वो मैं तो अपनी बेटी से मिलने आई थी, मेरी बेटी का नंबर नहीं लग रहा था। कैसी सास है आप? ज्यादा मत बोल, तूने हमारा घर उजाड़ दिया है। एक तो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दी, जवान चलाती है वो, मेरे बेटे को पसाया उसने और मेरे बेटे से शादी कर ली, पता नहीं उसको कहाँ से जादू टोना किया हुआ है। जी जादू टोना नहीं है, प्यार है वो दोनों का। कैसा प्यार? आपकी बेटी है भी प्यार लाइक? जी कोई बात नहीं, बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, अब समझना उन्हें, बुढ़े हो गए हैं वो। वो क्या बच्चे हैं? जी बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। चलती हूँ जी, आज के बाद बहन जी मैं आपके घर नहीं आना। कैसी सास हो आप? अगर सास ही नहीं अच्छे से रहेगी तो बहुएं कहाँ से सीखेगी? दोनों को समझौता करना पड़ता है, बहू को भी सास को भी। सना ज्यादा ड्रामे नहीं करी यहाँ पे रोने धोने की, अपनी बेटी से दो दो घंटे चार चार घंटे पांच पांच घंटे बात करती है, तब सोचा कर मेरा घर तूने उजाड़ा है। चलती हूँ, तुमसे बात करना ही बेकार। ठीक बोलती है मेरी बेटी, मेरी सास पागल है, चली जा पागल खाने मेरे। ऐसे गलती हो गई जो तुम्हारे घर आ गई मैं। सुन ले एक बात, मुझे इतना पता चल गया मेरी बेटी सही है। ये तो मेरी बजा के चली गई, बेटी और माँ दोनों एक है, तभी बोलूंगी बहू किस पे गई है, अपनी माँ पे गई है। ये अच्छे से रहेगी ना मेरी बेटी से, तो मेरी बेटी भी अच्छे से रहेगी। ये पागलपन छोड़ कर रही है, इसके बाद इस घर में पैर नहीं रखूंगी। बात और सुन ले, जब मेरा दामाद आएगा ना तब बताऊंगी सारी बात। एक बात और सुन ले, सारी रिकॉर्डिंग कर ली मैंने। बहन जी ऐसा मत करना। भाई बहन जी याद बोलने से पहले नहीं सोचा, कितनी इंसल्ट की मेरी, दूसरी बार तुम्हारे घर पे आई और मेरी इतनी बेइज्जती की। रुक जा तू, तेरे बेटे को भेजू मैं शाम को वीडियो क्लिप। नहीं बहन जी ऐसा मत करना, जी ऐसा मत करना।